जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज जगत में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आदिवासी से जुड़े हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत से जुड़े दो ऐसे लोगों के कार्यों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए तो शब्द कम होंगे, जिनके बारे में कितना भी कुछ लिखा जाए तो शायद पेपर कम पड़ जाए, और जिनके बारे में कितना भी कुछ बताया जाए तो शायद वह भी कम पड़ जाए। तो दोस्तों, ऐसे हैं दो लोग जो भारत से हैं और इनके कार्य एक रियल हीरो से भी बड़ा है। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं, ये हैं भारत के रियल हीरो। तो दोस्तों, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा इस चैनल पर शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। जैसा कि दोस्तों, आजकल फिल्मी जगत में आपने कई ऐसे सुपर हीरोज के बारे में सुना होगा जिनके मूवीज यानी कि फिल्मों को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता होगा, और आप भी यह सोचते होंगे काश ऐसी शक्ति, ऐसी सुपर पावर हमारे पास भी होती तो हम इस दुनिया को बचा पाते। यानी कि दोस्तों, ये सभी तो काल्पनिक कहानी होती है जो हमें थोड़े देर के लिए इंटरटेन करती है। लेकिन दोस्तों, आज मेरे लिस्ट में दो ऐसे भारत के ऐसे दो लोग हैं जिनके कार्यों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, और ये दो लोग इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिस्ट पर हैं असम के जाधव पायेंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फॉरेस्ट मैन यानी कि कुछ ऐसा इन्होंने जंगल से जुड़ा हुआ किया होगा जिनके कारण इन्हें फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अकेले एक 1400 एकड़ की बंजर जमीन को एक घने जंगल में बदल दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक अकेला बंदा जिन्होंने अपने अकेले के दम पर 1400 एकड़ की एक बंजर जमीन को एक घने जंगल में बदल दिया, और जाधव जी ने 40 साल तक साल में 3 महीने लगातार नदी पार करके और फिर 2 घंटे चलकर बंजर जमीन पर पौधे लगाए, वो भी बिल्कुल अकेले। और दोस्तों, अब आपको जानकर यह बहुत ही खुशी होगी कि अब उस बंजर जमीन एक हरा भरा जंगल बन गया है, और उस जंगल में हाथी, बाघ और गेंडे जैसे जानवर आने लगे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी धीरे धीरे गांव शहर पर तब्दील हो रही है, और कई सारे कंपनीज वगैरह यानी कि शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और इसी बीच कई घने घने जंगल आजकल बंजर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्य जाधव पायेंग जी ने किया है, असम के जाधव पायेंग, इनके लिए तो भाई कितना भी तारीफ किया जाए कम होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमारे भारत में, हमारे दुनिया में, ताकि प्रकृति की जो सुंदरता है वो बना रहे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों, ये हैं डी सिवान, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और ये 65 वर्षीय के एक डाकिया है यानी कि एक पोस्टमैन है, जो रोजाना 15 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी निष्ठा से लोगों को पत्र पहुंचाते हैं। और दोस्तों, ये पिछले 30 सालों से कुनूर यानी कि तमिलनाडु के एक जगह है कुनूर, वहाँ घने जंगलों से होकर लोगों को पत्र पहुँचाया करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जिस क्षेत्र में है वो एक घने जंगल से है, और वहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहाँ डी सिवान जी लगातार 30 सालों से 15 किलोमीटर पैदल चलकर आज तक वे पोस्टमैन की नौकरी कर रहे हैं और लोगों को पत्र पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, इनके भी बारे में जितना कुछ कहा जाए यह कम होगा, क्योंकि ये अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठा और लगन से अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो दो लोग जिनके बारे में मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य लगा, सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य लगा। दोस्तों, ऐसे ही कई लोग हैं भारत में जिनके कार्य बिल्कुल सराहनीय हैं, जिनके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए शायद कम पड़ जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से जुड़े वीडियोज़ में आपको हमेशा इस चैनल पर
शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में हमेशा इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जोहार, जय हिंद दोस्तों।